नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मंदिर जाते हैं आप, पूजा स्थान पर जाते हैं आप, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप जब भी अपने धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ जाकर के हम मन्नतें मांगते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। अब ये बताइए, सबसे पहले ध्यान से सोचिएगा कि पैसे आप चढ़ाते हैं या फेंकते हैं। बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये कि पैसे जब हम चढ़ाते हैं, धन चढ़ाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, तो आप चढ़ाते हैं या फेंकते हैं। अब कोई आपके आगे चीज़ें फेंक जाए तो कैसा लगेगा? कोई आपको, अगर आपको ज़रूरत है, चले आपके घर के बच्चे ही समझ लेते हैं, आपके बच्चे आपसे पैसा मांगते हैं या कोई ज़रूरतमंद की उन्हें चीज़ लेनी होती है, तो आप क्या करते हैं, उन्हें फेंकते हैं? नहीं फेंकते ना। घर की महिलाएं हैं, पुरुष बाहर काम करते हैं, महिलाएं पैसा मांगती हैं या पैसा लेती हैं घर की दिनचर्या को चलाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए या घर के सामान लाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, उनके आगे पैसा फेंक के जाते हैं? नहीं फेंकते हैं ना। तो फिर मंदिर में जाकर के पैसा क्यों फेंकते हैं आप? क्या भगवान को हम भीख देने जा रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं, कौन से अच्छे कर्म करने जा रहे हैं या फिर कौन से अपने कर्म बिगाड़ करके वापस आ रहे हैं? क्या डील करने जाते हैं हम भगवान से, 5 रुपए दे करके 5 करोड़ मेरे बना दीजिए, 10 रुपए चढ़ा करके 1,000 करोड़ का मालिक बना दीजिए, 10 रुपए चढ़ा करके 50,000 की नौकरी लगा दीजिए, 10 रुपए चढ़ा कर 15 रुपए 20 रुपए 50 रुपए चढ़ा करके मेरे बच्चे को एडमिशन करा दीजिए। यानी क्या करना चाह रहे हैं, शादी करवा दीजिए, विदेश भिजवा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। हम कौन सी डीलिंग की तरफ जा रहे हैं? क्या धर्म स्थान, पूजा स्थान या भगवान का द्वार, ये डीलिंग के लिए बना है? दूसरी बात, एक और गलती करते हैं हम लोग। हम बताएंगे बहुत सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे, क्योंकि अक्सर हम ये चीज़ें करते हैं लेकिन हमारे एक भी माइंड में एक क्षण के लिए ये नहीं आता कि हम कोई चीज़ गलत करके वापस तो नहीं जा रहे हैं, कुछ चीज़ें हमसे गलत तो नहीं हो रही हैं, कहीं हम अच्छी चीज़ बनाते बनाते कुछ गलत तो नहीं कर दे रहे हैं, अपनी ही ज़िंदगी को ख़राब तो नहीं कर रहे हैं। भगवान के द्वार जाते हैं, मूर्ति को हम देखते हैं, लेकिन हम उनके अंदर, हमारे अंदर एक आस्था होती है कि हमारे भगवान हमारी सारी बात मान रहे हैं, सुन रहे हैं, समर्पण कर देते हैं। तो क्या आपके ये फेंके हुए पैसे को नहीं देखेंगे? वो आपकी बाकी सारी चीज़ें देख रहे हैं कि भगवान के आगे मैंने कोई अर्जी लगाई, भगवान ने सुन ली, या भगवान सुन रहे हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं, और कोई चीज़ मुझे गलत नहीं करनी, लेकिन ये जो फेंका आपने पैसे को, तो क्या वो भगवान ने नहीं देखा आपका? एक और चीज़, हम लोग कई बार इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं कि मंदिर तो जाना है, दर्शन भी करने हैं, भले ही वहां पे जाकर रिश्वत क्यों ना देनी पड़े। रिश्वत दे करके हम भगवान के मंदिर जाते हैं और वहां पे उनके दर्शन करके चले आते हैं। तो आपने क्या चीज सुधारी वहां जाकर के? क्या किया हमने? हमने मतलब क्या करने गए थे वहां पे? क्या हम अपने कर्मों को सुधारने गए थे या कोई एक ऐसी बात को बढ़ावा देने गए थे जहां जिंदगी उसके सामने वाले की भी हेल्प कर रहे हैं और अपने भी, यानी अपने भी कर्मा खराब कर रहे हैं और सामने वाले के कर्मा को खराब करने में पूरा का पूरा सहयोग दे रहे हैं। उनको कुछ दक्षिणा के अलावा हम कुछ पैसे एंटी उनके पॉकेट में डाल करके कुछ लोग करते हैं और फिर मंदिर में दर्शन करते हैं कि पहले नंबर उनका आ जाएगा। क्या आपको ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी? क्या भगवान की मूर्ति के बिल्कुल नजदीक सट करके ही आप अपनी मनोकामना रख सकते हैं? क्या सिर्फ भगवान की मूर्ति के बस उतनी जगह एरिया के अंदर ही आपको लगता है सिर्फ एनर्जी है, बाहर कोई एनर्जी नहीं है? भगवान की चौखट से भगवान की एनर्जी है, बाहर की एंट्री जहां पॉइंट होता है ना, वहां से भी भगवान की एनर्जी है, कण कण में भगवान की एनर्जी है। हर सुबह 6 बजे राशि फल के साथ हम हाजिर होते हैं हमारे ही इस YouTube चैनल पर। आप हर दिन सुबह 6 बजे अपना राशि फल देखना बिल्कुल ना भूलें,
उस राशिफल के साथ साथ आपको दिया जाता है एक लकी अक्षर भी, साथ में एक लकी विजेता भी निकाला जाता है जिसकी कुंडली हर दिन देखी जाती है, और साथ के साथ जिनका बर्थडे होता है उनके लिए दिया जाता है एक खास उपाय, महा उपाय, जिसे करने के बाद वो पूरा साल अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। तो हर सुबह 6 बजे मेरे ही इसी यूट्यूब चैनल पर राशिफल के साथ, आपके राशिफल के साथ ज़रूर जुड़े। तो गलत चाहे घर में हो या बाहर हो या ऑफिस में हो या सामने भगवान देख रहे हो या नहीं देख रहे, गलत हमें करना ही नहीं चाहिए। अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे कर्मों को ही हमें करना चाहिए, बुरी चीज़ों की तरफ हमारा रुझान और बड़ा ध्यान होना ही नहीं चाहिए। फिर आती है बात कि क्या आपके अंदर कोई ऐसे इमोशंस फीलिंग्स नहीं होती हैं कि जो आपको लगता है कि हमसे गलत हुआ किसी कोने में। फिर दूसरा एक और पहलू भी होता है, सिक्के हैं पैरों में पड़े रहते हैं, फ्लावर्स हैं पैरों में पड़े रहते हैं, प्रसाद है कई बार पैरों में आ जाता है, वो तो नहीं आप उठाते हैं, डील करने में तो आप पूरे माहिर होते हैं, तो भगवान के आगे कौन सा अहंकार दिखाने जा रहे हैं? क्या अहंकार से भगवान को जीत लेंगे आप? क्योंकि ये वीडियो बनाना इसलिए बहुत ज़रूरी है, कई बार हम लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हम उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। दूसरों को भाषण देना बहुत आसान होता है, स्वयं के अंदर चेंज लाना बहुत ही कठिन होता है, और जो स्वयं में चेंज लाते हैं ऑटोमेटिकली सृष्टि भी कहती है उसके लिए एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर देती है सुरक्षा का। अब आती है बात कि हमारे संकट मिटा दो, हमारी नौकरी लगा दो, हमारे ये धन दे दो, हमें करोड़ों पति बना दो, ये लीजिए जी पैसे हो गए डील। क्यों भाई, 5 रुपए देंगे आपको क्यों 5 करोड़ का मालिक बनाएंगे भगवान? इतना बेवकूफ समझ रखा है आपने भगवान को, या आप बेवकूफ हैं खुद, या हम खुद बेवकूफ हैं कि हम ऐसी गलती कर रहे हैं? भगवान का द्वार एक आस्था का द्वार है, पूजा भक्ति का द्वार है, समर्पण का द्वार है, वो एक ऐसा द्वार है जहां आपके कर्मा सुधरते हैं। अगर हमसे कोई गलती या चूक भी हो जाती है तो वहां जाकर के उसका निवारण मिलता है हमें, हमारी देह शुद्धि के साथ हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, उस जगह जाकर के उस होरा में पहुंचते ही हमारी आत्मा की शुद्धि भी होती है। तो हमें किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना चाहिए जब हम भगवान के द्वार जाते हैं? पहली, कभी भी धन को नहीं फेंकना चाहिए। अब आते हैं हम उन चीज़ों पे जो हमें नहीं करनी चाहिए। जो वहाँ पे एक सिस्टम होता है जहाँ धन को प्रणाम किया जाए आदर सहित, तो वहाँ डील मत कीजिएगा आप। अपने भाव, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स पूरे एक पॉजिटिव वे में जा करके भगवान के द्वार पे समर्पण कीजिए। आपकी जो मन है, जो इच्छा है दान दक्षिणा करने का आप कीजिए, बिल्कुल दिखावा नहीं कीजिए कि सामने वाले के कम पैसे दिए मैं ज़्यादा दूंगा, मैं सबसे पहले आगे पहुंचूंगी या पहुंचूंगा, मैं सबसे ज़्यादा अच्छे दर्शन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं दरवाजे खुलवा सकता हूँ, खुल सकते हैं। भगवान के द्वार पर थोड़ा सा बिल्कुल नरमी से जाइए, अहंकार पीछे छोड़ करके जाइए और भगवान को अपना बनाने के लिए जाइए, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए जाइए, ताकि आपकी ज़िंदगी में कहीं कोई भूल चूक हो रखी है, कहीं कोई आपसे गलत डिसीजन हो गया है, तो उसका कहीं ना कहीं आपको निवारण जो क्षमा याचना के साथ भगवान के द्वार पर मिल सके। गलत नहीं करना है दर्शन करते समय, खास करके आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रिश्वत दे करके आपने गलत चीज़ों का बढ़ावा नहीं देना है। आप पैसा बाहर बांटने लग पड़ते हैं, आप जानते हैं कि जितने बच्चे हैं जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं, क्या हमने कहीं ना कहीं उनको उनकी एजुकेशन से हम दूर नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको एक लत लगा रहे हैं कुछ ऐसा पैसा इजी वे में कमाने की, जिसकी वजह से हो सकता है उनको किसी खास विद्या की तरफ भेजा ही नहीं जा रहा हो।
आप एक ऐसी गलत कर्मों की तरफ आप बढ़ रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप दान दक्षिणा मत दीजिए, आप दीजिए, लेकिन हर चीज़ का एक सही तरीका होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं, आप उनके एजुकेशन में सहयोग कीजिए, आप उनके यूनिफॉर्म में सहयोग कीजिए। बुजुर्ग हैं, उनके घर का पूरा राशन डलवा दीजिए। आप अच्छी चीज़ें कीजिए, डीलिंग मत कीजिए, गलत चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए। अगर कर्म सुधारना चाहते हैं तो सही कर्मों की तरफ आप अपने स्टेप अप रखिए, यानी अपने कदम सही कर्मों की तरफ रखिएगा और भगवान के साथ डील करना बंद करिए। भगवान के आगे धन फेंकना बंद करिए। धन अर्पित किया जाता है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं, फेंके नहीं जाते हैं। आप उनके आदर सहित उन्हें प्रणाम कीजिए और अपने कर्मों को सुधारने के लिए, भूल चूक की क्षमा लेने के लिए आप द्वार तो जाइए, लेकिन अपने कर्मों को सुधारने की तरफ आपका रुझान ज़्यादा होना चाहिए, ना कि अपने कर्मों को बिगाड़ करके आप फिर एक नई परेशानी को अपने साथ लेकर के आगे कैरी फॉरवर्ड करें। तो गलत चीज़ें छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास करके धार्मिक स्थान पर जाकर के तो एक अच्छे कर्मों की तरफ ही आपका रुझान और ध्यान होना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।